नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के सबसे लोकप्रिय चैनल आ रहे एस एजुकेशन अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है। तथा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब से जहीर अहमद के द्वारा हाईकोर्ट में रिट लगाई गई है परिणाम को लेकर, तब से बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में संशय हो गया है और बहुत ही अट्रैक्शन वाले कॉमेंट बॉक्स में कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका संयम टूट गया है और कई विद्यार्थियों तो ऐसे हैं जिन्होंने इस चैनल के माध्यम से कमेंट किया है कि सर, हम तो अहमदाबाद चले गए, हम तो वहां पर चले गए, अब इस भर्ती का कोई भी पता नहीं है कब कुछ होने वाला है क्योंकि हाईकोर्ट में चले गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर इसी कारण से ये वीडियो बनाई है, इसी मकसद से, क्योंकि आप कहीं पर भी न जाएं, 5 फरवरी को राजस्थान हाई कोर्ट के माध्यम से फैसला आपके पक्ष में ही आने वाला है और पूरी सुनवाई हो जाएगी। इसलिए आप कहीं पर भी कमाने वमाने बिल्कुल नहीं जाएं और अपने फिजिकल की तैयारी में अच्छी तरह से जुट जाएं। 5 फरवरी को आपके जो जहीर अहमद के द्वारा रिट लगाई गई थी, उसका जो सुनवाई है पूरी हो जाएगी और आपके पक्ष में ही फैसला आएगा। तथा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पुलिस विभाग अपना काम कर रहा है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, और जैसे ही इसकी सुनवाई होती है, हाई कोर्ट में फैसले का क्लियरेंस होता है, तुरंत आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पुलिस विभाग से संबंधित आपको पल पल की अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिल रही है भर्ती से संबंधित। इसलिए अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से राजस्थान पुलिस कैंडिडेट्स को समय समय पर मोटिवेट भी किया जा रहा है और उनको सही राह दिखाई जा रही है। इसलिए दोस्तों, फिजिकल की तैयारी में आप जुटे रहिए क्योंकि आपके पक्ष में ही फैसला आने वाला है। जो मेरिट है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज ही जाने वाली है, जबकि जहीर अहमद के द्वारा ये बताया गया था और इसी कारण से रिट लगाई गई थी कि जो मेरिट लिस्ट है वो स्टेट वाइज जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि पुलिस विभाग पहले स्पष्ट कर चुका है कि हमने आवेदन करते समय, जब आवेदन 2019 में हुए थे, तो जब ही हमने बता दिया था कि मेरिट डिस्ट्रिक्ट वाइज ही जाएगी और डिस्ट्रिक्ट वाइज ही इसी कारण से विभाग के द्वारा आवेदन लिए गए हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आवेदन भरे गए हैं। तो दोस्तों, इस कारण से डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी मेरिट लिस्ट जाएगी, निसंकोच होकर आप अपने फिजिकल की तैयारी में जुट रहे हैं। और एक और न्यूज मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं कि खुशी की बात आप सभी कैंडिडेट्स के लिए यह है कि आपकी भर्ती से उपेन यादव को आप जानते होंगे, नाम सुना होगा, ये राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष हैं जो कि सदैव बेरोजगार विद्यार्थियों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो ये भी अपनी भर्ती से जुड़ गए हैं जो 5438 पदों के लिए चल रही है और बेरोजगार विद्यार्थियों ने इनको एक नोटिफिकेशन भी दिया है, विज्ञप्ति भी दी है और बताया है कि जो 5438 पद हैं इनको 10,000 करा जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, इनके द्वारा भी आश्वासन विद्यार्थियों को दे दिया गया है कि जल्द से जल्द इसकी रोक जो हट जाएगी और पूरा जो फैसला हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा हाई कोर्ट का फैसला, जो कि 5 फरवरी को होने वाला है। दोस्तों, वैसे तो ये हो ही जाता 20 जनवरी को ही, लेकिन पुलिस विभाग की इसमें कमी थी क्योंकि पुलिस विभाग ने जो रिकॉर्ड है वो समय पर जमा नहीं कराया, जिसके कारण से हाई कोर्ट में ये फैसला लंबी चला गया और 5 फरवरी को अब इसका फैसला होने वाला है। लेकिन दोस्तों, वीडियो सिर्फ इसी मकसद से बनाया था कि आप अपना संयम न तोड़ें और आप कहीं पर भी न जाएं। बहुत सारे विद्यार्थियों का मनोबल टूट गया था और बार बार ये कमेंट कर रहे थे कि हम फिजिकल करें या नहीं करें, लेकिन दोस्तों, आपको इस प्रकार से नहीं करना है। आपको फिजिकल की तैयारी के लिए आप तत्पर रहना है, फिजिकल के लिए आप हमेशा अच्छी तरह से तैयारी करें क्योंकि फरवरी तक आपका रिजल्ट आ जाएगा अगर 5 फरवरी को कोर्ट की सुनवाई हो जाती है क्लियर, ठीक है। और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की पल पल की अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी, इसलिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए क्योंकि यहां पर आपको सभी जानकारी मिलेंगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।